गोवा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर पारकर के आकस्मिक निधन से आज समूचा राष्ट्र अस्तब्ध और शोकाकुल है। 64 वर्ष के श्री मनोहर पारकर ने भारत सरकार में रक्षा मंत्री के पद पर रहते हुए ढेरों ख्याति अर्जित की। बेहद सादगी भरा सार्वजनिक जीवन जीने के कारण वे गोवा के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे। श्री पारकर उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद रहे। स्वर्गीय पारकर आईआईटी मुंबई से स्नातक थे। भारत के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री बनने वाले वह ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आईआईटी से स्नातक किया हो। गोवा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर पारकर जी के निधन पर अपना शोक प्रकट करते हुए सुलभ संस्थापक डॉक्टर विंदेश्वर पाठक ने कहा कि गोवा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर पारकर के निधन से मुझे अपार दुख है। देश ने एक समर्पित, जुझारू, कर्मठ और ईमानदार नेता खो दिया है जिसकी क्षतिपूर्ति निकट भविष्य में संभव नहीं है। उनके व्यक्तित्व में कर्म सौंदर्य का आकर्षण था। गोवा और पूरे देश की जनता लंबे समय तक उनकी कमी को महसूस करेगी। वे युवा पीढ़ी के प्रेरणा स्रोत व्यक्ति थे। उनके शोक संतप्त पारिवारिक सदस्यों, मित्रों और लाखों प्रशंसकों के साथ मेरी गहरी संवेदना है। परमपिता परमेश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें।